मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के अंत के परिणामों ने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर हुआ और उत्तर प्रदेश में जिसने जीत दर्ज की वो है इंडिया ब्लॉक। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटों पर अपना हक जमाया वो पार्टी है समाजवादी पार्टी, यानी अखिलेश यादव की पार्टी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का चेहरा और हिंदुत्व की राजनीति कहीं ना कहीं चलती है, लेकिन इस बार उसी हिंदुत्व की राजनीति पर एक पूर्ण विराम लगता दिखाई दिया और उसी हिंदुत्व की राजनीति पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं हावी होते दिखाई दिए। इस बार उत्तर प्रदेश में भले समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन लगातार कयासबाजियां तेज हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई तो दगाबाजी करके समाजवादी पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं सीटों का और वोटों का बंटवारा, एक ऐसा कोई प्रत्याशी है जिसने सपा के खेमे में सीटों और वोटों का बंटवारा किया है। लेकिन अगर आप देखें तो इसी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर कहीं ना कहीं कुछ चुनिंदा प्रत्याशियों का दबदबा देखने को मिल रहा था, और उसी में से एक सीट है कुशीनगर की। वही कुशीनगर की सीट जिस सीट पर लगातार हाल ही में कयास तेज थे कि मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को यहां पर गठबंधन के बाद उनको एक प्रत्याशी के तौर पर बसपा की ओर से उतार सकती हैं, लेकिन उन सभी कयासों पर पूर्ण विराम लग गया था और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे और यहाँ पर उन्होंने चुनावी ताल ठोकी। लेकिन आखिर किसको पता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशीनगर की सीट से इतनी बुरी तरह हार होगी और ऐसी हार होगी जिस हार का सामना कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस बार कुशीनगर की सीट से हारे हैं, अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के पास पहुंचे हैं और मायावती के पास पहुंच के गठबंधन का जल्दी ऐलान कर सकते हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है और कयासों के तौर पर भी ये खबर चल रही है कि अब इस लोकसभा चुनाव के अंत होते ही स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस बार कुशीनगर से बुरी तरह हारे हैं, चौथे स्थान पर हैं, वही स्वामी प्रसाद मौर्य बेहद जल्द मायावती के पास पहुंच सकते हैं और मायावती की पार्टी BSP के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप देखें सियासी गलियारों में हलचल तो तेज होगी, वहीं एनडीए के खेमे में भी हलचल तेज होगी, क्योंकि वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपना दल बदलने के नाम पर जाने जाते हैं, वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से घर वापसी की या फिर कहे कि अपनी पार्टी का गठबंधन बसपा के साथ किया। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समीकरण पूरी तरह से बदलता दिखाई देगा। फिलहाल अब स्वामी प्रसाद मौर्य के उठाए इस कदम पर और क्या आपको लगता है कि क्या वो सच में ऐसा कोई कदम उठाएंगे, मायावती के खेमे में जाएंगे या मायावती के साथ गठबंधन करके कोई कड़ा ऐलान कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।